हाँ जी बेटा, इस वीडियो में हम 6A एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंडेड फॉर्म। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, एक्सपेंडेड फॉर्म मैंने आपको बताया है, आप कोई भी एक वे ले सकते हो। मैं नॉर्मल तरीके से ही करवा रही हूँ आपको, ठीक है। तो इसके मैं दो पार्ट्स करवाऊंगी। सी, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म। हेयर द नंबर इज गिवन 3479.105। तो वन स्टैंड 100 and 1000, मतलब 3000 पे है। 3000 प्लस 400 प्लस 7 tens प्लस 9 ones प्लस 1/10th प्लेस पे है, 0/100th प्लेस पे है एंड 5000th प्लेस पे है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। और ऐसे ही वन मोर क्वेश्चन है, 840.006। तो 800s, 4 tens, 0 ones, 10th वाला भी 0 है, 100th वाला भी 0 है और 1000th वाला 6 है, तो 6000 आ जाएगा। ये आप ऊपर इस पे लिख सकते हो, 10th, 100th, 1000th, आपकी कन्वीनियंस के लिए। ज़रूरी नहीं है बट इट इज़ फॉर योर कन्वीनियंस टू मेक दैट इजी। ऐसे ही एक सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपने सब फोर्थ में किया हुआ है बेटे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। राइट एज डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल्स में लिखना है हमने इसको। तो 8000 है, तो आप पहले ऊपर लिख लो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 1 stands 100,000, फिर डेसिमल पॉइंट, फिर टेंथ्स, फिर हंड्रेड्स। आप देखो क्या बना, ये 8000 है तो 1000 वाले पे 8 लगा लिया। 8 ones है, मतलब वंस वाले पे भी 8, बाकी दो नहीं दिए हुए तो वो जीरोज लग जाएंगी। पॉइंट लगा लिया उसके बाद, क्या है, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स। टेंथ्स पे 3 है, हंड्रेड्स पे 9 है, तो टेंथ्स के नीचे 3 आ गया, हंड्रेड्स के नीचे 9 आ गया। एक और क्वेश्चन, 800 7 tens, 2 ones 8 tens, 5000s। अब यहाँ पे देखो, ये 100 tens 1s तो सीधे सीधे आ गए, 872 पॉइंट। अब यहाँ पे टेंथ कंडीशन है, टेंथ, ये टेंथ है, ये हंड्रेड है और ये 1000 है। तो आपने देखो टेंथ वाला इसमें है नहीं, सॉरी हंड्रेड्स वाला इसमें है नहीं, थाउजेंड्स वाला डायरेक्टली आ रहा है, तो हंड्रेड्स वाली जगह पे जो है वो जीरो आ जाएगी। होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नाउ कन्वर्ट द फॉलोइंग लाइक इन टू लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको बताया था लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जिनके डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। हम उसको अगर अनलाइक है तो लाइक बना सकते हैं, जीरोज प्लेस करनी होती है आफ्टर दैट डिजिट। अब देखो कैसे, सी ये है 0.91, 10.819, 89.637 एंड 142.8। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे दो डिजिट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो मैक्सिमम 3 है, तो हम सबके पीछे 3 डिजिट बना देंगे। कैसे, 91 है, 2 डिजिट है, एक और जीरो लगा दी, 3 डिजिट नंबर आ गया पीछे। यहाँ तो है ही 3, यहाँ पे भी है ही 3, कुछ नहीं करना। और यहाँ पे 1 था सिंगल 8, तो 2 जीरोज लगा दी, तो लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन, ये वाले भी हैं, इसके पीछे 2 डिजिट हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, इनको भी लाइक में कन्वर्ट करना है। तो मैक्सिमम 3 है, 3 वाले को कुछ नहीं करना, बाकियों के 3 बना देने हैं। कैसे, 04 था, 10 पास से लगा दी, 3 डिजिट आ गए पीछे। 3 था, 2 जीरोज पास से लगा दी, 3 डिजिट आ गए। 432 पीछे आ गया, तो ये तीनों के पीछे अब देखो 3 डिजिट्स हैं, लाइक डेसिमल्स हो गए वो। होप दैट इज क्लियर। अब देखो आगे है, फाइंड द ग्रेटर फ्रैक्शन, बड़ा वाला नंबर कौन सा है ये बताना है। तो बिगर की तरफ ओपन माउथ होता है, ये आपको याद होगा, और स्मॉलर की तरफ ये क्लोज शट माउथ होता है, एरो हेड होता है। अब देखो कैसे आपने कंपेयर कैसे करना है, आपने सबसे पहले पूरा डेसिमल के पहले वाला नंबर कंपेयर करना है। ये 162 है, 126 है, ऑब्वियसली 162 बिगर है, तो सीधा इसको बिगर का साइन डाल देना। अगर ये सेम आ जाते हैं तो अगले पे जाना है, लाइक यहाँ पे मैंने की है, 293 है, इधर इधर भी 293 है, तो सेम आगे। अब डेसिमल के बाद वाला नंबर देखेंगे, डेसिमल के बाद इधर 8 है, इधर 6 है, तो ऑब्वियसली 8 बिगर है, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, इधर बिगर का साइन आ गया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, 211 सेम है, डेसिमल के बाद 1 है, उधर डेसिमल के बाद 2 है, तो 2 वाला नंबर बिगर हो गया। होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।